ना ये काम करेंगे। उनसे लिमिट रखा है जो गवर्नमेंट स्कूल थे ना वो इतने अच्छे चल रहे। हम हरियाणा में आ गए, हम हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है, सब तरह फैसिलिटीज दित्तियां हुई है सरकार वालों। दो हफ्ते तो खंघ ने बहुत परेशान कराया था जी। मैं पहला बाहर प्राइवेट दवाई लेंदा रहा, फिर इत्थे आके लती जी, टेस्ट फ्री होया, इत्थों मैं ठीक हो गया, हुण मैं ठीक हां बिल्कुल। शानदार मोहल्ला क्लीनिक है, सफाई है, और डॉक्टर उन्हां दी जिहड़ी दवाई लिखनी है वो कंप्यूटर च ऐड कर देंदे ने, जिथे दवाई लैनी है उत्थे तक कंप्यूटर पहुँच जाती है, टोटल पेपरलैस है। मान साहब ने बहुत वधिया उपराला कीता, वधिया काम करिया सरकार ने, गरीबां दा भला करता। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। हरियाणा में चाबी केजरीवाल के पास आएगी। नेता जेल में बैठा है, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में उसका शोर हो रहा है। यही तो कामयाबी के लक्षण है। कहाँ से आए हो जी आप? सिकंदरपुर माजरा। आम आदमी पार्टी जो 5 घोषणाएं कर रही है आप लोगों के लिए, उसको किस तरह देखते हैं? घोषणाएं के बारे में तो मैंने ज्ञान खोना, क्या क्या करिए? ये कह रहे हैं कि हम मुफ्त बिजली देंगे, 300 यूनिट तक फ्री कर देंगे, आपके जो है मुफ्त जो इलाज है वो देंगे, जो शिक्षा है बच्चों के लिए वो देंगे। तो जो घोषणा है इनकी, सिर्फ घोषणाएं हैं या फिर धरातल पर भी लागू करेंगे? ना ये काम करेंगे, उनके लिमिट रखा है जो गवर्नमेंट स्कूल थे ना वो इतने अच्छे चल रहे हैं। बहुत अच्छा। केजरीवाल को तो ये कह रहे हैं कि सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री है इसलिए जेल में गया हुआ है। कोई इरिगेशन नहीं, कोई वो नहीं है। एक तो वो छूट गया है और ये भी छूट गए, सबूत तक कोई नहीं मिला था जैसे इन्होंने कहा। आप कहाँ से आए हो जी? आप कहाँ से आए हो? सिकंदरपुर माजरा जी। अच्छा, आम आदमी पार्टी क्या घोषणा कर रही है आम आदमी के लिए? भाई भाई जो हमारा काम करेंगे जो मेरा बताएगा, इतना ही पंजाब और दिल्ली में है। आपको जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई मुफ्त आपको शिक्षा दी जाएगी, बच्चों को मुफ्त इलाज किया जाएगा, बिजली फ्री दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा, तमाम इस तरह के वादे कर रही है, हर पार्टी वादे कर रही है, क्या आम आदमी पार्टी खरी उतरेगी आपके जनता आम आदमी की उसमें? भाई हम झूठ नहीं बोलते, हमारा जब हमारे काम हो लेंगे जब कहेंगे, इतना कुछ नहीं कह सकते। केजरीवाल जेल में है उसका असर पड़ेगा? कुछ ना असर पड़े उसका, उसका क्या असर पड़ना है? काम के ऊपर है, काम देखना है, पब्लिक तो काम चाहे, काम जो करेगा उसकी इज्जत होगी। बीजेपी की 10 साल सरकार रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही है, क्या आम आदमी के काम हुए? काम होने लग रहे हैं, रोहा भी है आके भाई, आप होने लग रहे हैं, गरीब आदमी है, बच्चे भी लाकर लाग रहे हैं। जो यहाँ पर आए हैं उन लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं, कुछ देर बाद यहाँ पर जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आएंगे और लोगों को संबोधित करेंगे, लेकिन उनसे कुछ जो आम आदमी पार्टी की क्या समस्या है, क्या वायदे है, उनको लेकर चर्चा करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुरेश चंद्र है, बोली गांव से आया हूँ और विकलांग हूँ, दिल्ली पुलिस से रिटायर हूँ थानेदार। और जब ये पार्टी बनी थी दिल्ली में, हम वहीं पर थे, शुरू से हम इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा वहाँ दिल्ली में
जो विधानसभा क्षेत्र था वो स्वतंत्र जैन वाला था। स्वतंत्र जैन के साथ हमने कंधे से कंधा मिलाकर वहां काम किया, बहुत मेहनत की है। अब हमारा रिटायरमेंट हो गया है, हम हरियाणा में आ गए। अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी जो 5 गारंटी दे रही है, मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, क्या पंजाब और दिल्ली में दे पाए? देखो, दिल्ली में और पंजाब में जो सुविधा दे रखी है उनसे ज्यादा सुविधा हरियाणा में मिलेगी। अब ये मैं नहीं कह सकता वहाँ पे क्या क्या दे रखा है, क्या क्या नहीं दे रखा है, लेकिन इन दूसरी पार्टियों से बढ़िया स्कूल है, दूसरी पार्टियों से बिजली भी ज्यादा आती है, बिजली का बिल भी कम। मैं तो वहाँ पे रहा हूँ, मैं तो 5-6 साल दिल्ली में इनकी सरकार को देख चुका हूँ। केजरीवाल को बीजेपी ये कहते हैं सबसे भ्रष्ट है, घोटाले किए इसलिए जेल में है। देखो जी, ऐसा है, दूध का धोया यहाँ पे कोई नहीं है। हर इंसान में कमी है, अगर अरविंद केजरीवाल में एक दो कमी है तो उसके अंदर 50-60 क्वालिटी भी है। अगर उसमें कोई गुण नहीं होता तो दिल्ली के लोग बेवकूफ नहीं है, हरियाणा पंजाब के लोग बेवकूफ नहीं है। या तो आप यू कह दो हरियाणा पंजाब बेवकूफ है और अरविंद केजरीवाल को गलत, ऐसी बात नहीं है। अब की बार हरियाणा में चाबी केजरीवाल के पास आएगी, हरियाणा सरकार में। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टियां हैं, 10 साल बीजेपी सरकार रही है, अभी चल रहा है उनका राज, हुड्डा ने भी 10 साल किया, क्या हरियाणा में आम आदमी के काम नहीं हुए? काम हुए हैं, बहुत काम हुए हैं, लेकिन एक बात बता देता हूँ मैं आपको, राजनीति में परिवर्तन जरूरी है। अगर आप 10 साल बीजेपी को दोगे और 10 साल कांग्रेस को दोगे, फिर 10 साल बीजेपी को दोगे, 10 साल फिर कांग्रेस को दोगे, ऐसे काम नहीं चलेगा, तानाशाही हो जाएगी। आज यहाँ पे तानाशाही मजबूत हो रही है, इस तानाशाही को खत्म करना है और हरियाणा में आम आदमी पार्टी को मजबूती से लाना है। क्योंकि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा अगर तीन स्टेटों में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, समझ लो हिंदुस्तान का दिल इसके पास आएगा। लेकिन हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपका कोई बड़ा चेहरा नहीं है, नेता नहीं है आपके पास। मैं मानता हूँ, इस बात को मानता हूँ मैं, लेकिन हरियाणा के अंदर जो वर्कर है ना, हमारा जो वर्कर है वो बहुत मजबूत है, वो वर्कर मजबूत है और वर्कर में से नेता बनते हैं। नई पार्टी है, 10 साल की इसका जन्म हुआ है, इसके अंदर नेता भी हो जाएंगे, इसके अंदर जो है ना सारी बात हो जाएंगी। एक नई उम्मीद है, एक नई सोच है। आप ये बताओ ना, 10 साल कांग्रेस रह ली, 10 साल बीजेपी रह ली, अब इनको मौका मिलना चाहिए। राष्ट्रीय पार्टी है, आज 3 ही पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी 3 ही है। 10 साल में इस पार्टी ने इतनी तरक्की करी है, यह पार्टी बहुत आगे तरक्की करेगी। लेकिन एक के बाद एक तो नेता जेल में जा रहे हैं, नेता जेल में बैठा है और हरियाणा में उसका शोर हो रहा है, ये उसकी कामयाबी का लक्षण है। नेता जेल में बैठा है, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में उसका शोर हो रहा है, यही तो कामयाबी के लक्षण है। वो जितना जेल में रहेगा, मनीष सिसोदिया है, मनीष सिसोदिया 17 साल में है, लेकिन उसके अंदर जोश कितना है, उसका भाषण हमने सुना है जेल से निकलते ही, बहुत जबरदस्त है, उसके अंदर जोश है। अब देखना होगा कि आने वाले जो विधानसभा होने वाला है उसमें आम आदमी क्या कारनामा कर दिखाती है। लेकिन फिलहाल जो आम आदमी पार्टी पूरी जोर आजमाइश कर रही है और वो हरियाणा में जिस तरह से एक के बाद एक जो रैलियां कर रही है, अपना जो अस्तित्व की यहाँ पर लड़ाई लड़ रही है, भले ही लोकसभा चुनाव में जो है इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव हो, लेकिन विधानसभा में वो अकेले मैदान में होंगे। हरियाणा तक के लिए धोना से मैं सुरेंद्र सिंह।